एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो हम लोग घर पे जा रहे हैं और पहले बस स्टैंड पर जाकर दाढ़ी वाड़ी बनवाएंगे, क्योंकि दाढ़ी बड़ी हो गई है, सेट करवा देंगे दाढ़ी को। और कोल्ड भी हो रखा है बहुत ज़बरदस्त, दो तीन दिनों से सर्दी बहुत तगड़ी है तो कोल्ड ज़बरदस्त हो रखा है। टेबलेट वेबलेट ले रहे हैं और अभी चलते हैं हम लोग कहाँ पर, बस स्टैंड पर, और दाढ़ी वाड़ी बनाएंगे फिर चलेंगे घर पर। ओके, तो गाइस भैया की दाढ़ी बन चुकी है। हमें 11 मार्च तो गाइज आज हम पहुंच चुके हैं एक अलग लोकेशन पर और अलग रास्ते से जा रहे हैं घर पे। देख लो, जंगल के बीच से होके खेतों में बहुत सारे बाग लगे हुए हैं, अमरूद, पपीता और आम के। आपको दिखाता हूँ, पीछे हैं ये गन्ने, ये देखिए। और पीछे आपको सरसों दिखाई दी, देख ही लिया होगा आपने, और दिखा देता हूँ कि ये देखिए पीछे, और पीछे ये गेहूँ भी बो रखे हैं, गेहूँ भी बो दिए। तो गाइस एक महीने बाद में इधर आए वापस, तो इधर चेंज हो गया बिल्कुल। पहले हरियाली थी लेकिन इतनी नहीं थी, और अभी तो गेहूं वेहूँ सरसों वरसों सारे सब कुछ वो दिए, तो हरियाली बहुत ही ज़्यादा हो रखी है और बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है। और सर्दी है लेकिन अभी दो तीन दिनों से थोड़ी कम है, दो तीन दिनों पहले ज़्यादा थी, और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि व्लॉग में बहुत ही टाइम से बना ही नहीं पाया और बहुत ही लेट डालूँगा, तो माफ कर देना। तो गाइज प्यास लग रही थी, पानी पी लिया थोड़ा, उधर हेडपम्प था वहां से, और अभी तो गाइज हम यहाँ पर पहाड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे छांव में थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, फिर चलते हैं। पैर दर्द करने लग गए हैं, वहाँ से 5-6 किलोमीटर से आए हैं हम पैदल पैदल, तो फिर चलेंगे घर पर। तो गाइज छांव का लुत्फ़ उठा चुके हैं और कम से कम 20 मिनट यहाँ पर बैठे हम लोग, हम दोनों, और अभी चलते हैं घर पर। पीछे दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी हरियाली हो रखी है, ये देखिए ये पहाड़ पीछे, ये पीछे एक और गाड़ी आ रही है, देखना ये आ गई है गाड़ी। तो गाइज ये पहाड़ों के बीच में अभी भी थोड़े दिनों पहले ये छोटा सा खेत में बाग लगाए हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी हैं बोने के लिए। आपको दिखाता हूँ पौधे, ये लाल लाल कलर के पत्ते आ रहे हैं इनके, बड़े होने के बाद में हरे हो जाएंगे ये पौधे हैं। गाइज ये है हमारे गांव का नाला, अभी बारिश इतनी हुई है बह नहीं रहा है, लेकिन पहले इससे पिछले साल ये बहुत सारा तगड़ा वाला बह रहा था, पानी भरा था पूरा इसमें। हमारी भाषा में इसको बाड़ा बोलते हैं,